सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। साइंस वन का भी रिवीजन हम कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक ग्रेविटेशन करेंगे। जो भी चीज इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ अपन कवर करेंगे, सब चीज अपन देखने वाले हैं राइट, अच्छी तरह से एकदम सिस्टमेटिकली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। बच्चों एंड विद अ वेरी फेवरेट कोट, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। दैट इज वॉट यू आर डूइंग टूडे। एवरी डे यू आर डूइंग समथिंग टू मेक श्योर दैट फ्यूचर इज गुड। सो इफ यू वॉन्ट योर साइंस यूनिवर टू If you want a science one paper to be very good, today is the time when you start studying properly, proper video देखना बच्चों, notes बनाना, learning करना उसी दिन पे हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप बच्चों अपने papers को बढ़िया तरीके से कर सकते हो। Quick revision, one shot 100% easy. Now, बच्चों gravitation के बारे में अभी detailed video नहीं है, ये this is just a revision video, one shot. तो बहुत basic basic बातें हम करेंगे बच्चों यहाँ पर। बच्चों ग्रेविटेशन की एक सिंपल लॉजिक है, कोई भी चीज अगर ऊपर जाने पे नीचे आ रही है तो वो क्यों आ रही है, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, लोग बोलते हैं जैसा नहीं था, ओके बहुत उसको बड़ा कराया कि एप्पल गिर गया तो दिमाग चमक गया तो उसे ग्रेविटेशन इन्वेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता बेटा, ओके। इट वॉज इयर्स ऑफ थिंकिंग, इयर्स ऑफ डेडिकेशन, है ना। न्यूटन साहब को देख लो आप, वन ऑफ माई फेवरेट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, है ना। एनीवेज तो बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से सब चीजें नीचे आती है, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है, मैं पानी पी पा रहा हूं। क्यों पी पा रहा हूं बच्चों? क्योंकि मैं पानी पी पा रहा हूं बच्चों क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, वरना शुरू कितना डिफिकल्ट हो जाता। सब हवाएं अपनी जगह पर है, मून अपनी जगह पर है, अर्थ अपनी जगह पर है, वो सब ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक मिनट के लिए भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा तो पूरी दुनिया का बेहाल हो जाएगा बच्चों, राइट। देन द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों ऐसा फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, ओके, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सिकिंग फोर्स। जैसे बंदा ने धागा लिया है तो ये बीच की तरफ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को धागा पकड़ा है, मैं उसको घुमा रहा हूं ऐसे, जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक डायग्राम। ये देखो इन्होंने पकड़ा ऐसे धागे को और घुमा रहे ऐसा, तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा बच्चों। वो घूम रहा है क्योंकि बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स के कारण उसको घुमा पा रहे हो, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है केपलर्स लॉ, और इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों टाइको ब्रहे करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल स्टार को देखने में, स्पेस को ऑब्जर्व करने में लगाए। उन्होंने जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन थी सब की सब नोट की, और ऐसा बोलते हैं केपलर ने उनकी बुक चुरा ली। चुराने के बाद उन्होंने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए वो केपलर ने नोट किए, और केपलर ने अपने तीन लॉज बनाए बच्चों, जो तुम्हारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहले लोग कैसे मानते थे कि अर्थ रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन केपलर ने क्या बोला? लॉल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझो पहले बेटा जी। तो बच्चों देखो पहला लॉ केपलर का बहुत सिंपल है, वो क्या बोलता है कि सो बच्चों केपलर का फर्स्ट लॉ बहुत बेसिक था। उसने क्या बोला कि कोई भी प्लैनेट, ओके, ये एलिप्स है और एलिप्स के दो फोकाए होते हैं। अब क्या होगा, कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है इन अ एलिप्टिकल पाथ, और सन है ना, दोनों में से किसी एक फोकाई में रहेगा। जैसे एक अर्थ, जैसे एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है, रेडियस होता है, वैसे ही बच्चों ये एलिप्स है। तो इसमें होता क्या है, प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ओवल शेप में कुछ, और सन एक फोकाई पे रहता है, ओके। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। मतलब
दो फोका है, एक में सन होगा और प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा. सिंपल. द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ इट्स फोका. सेकेंड लॉ बहुत सिंपल है बच्चों, सेकेंड लॉ भी समझने की कोशिश करना. सेकेंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, रिविजन क्लास है, डिटेल्ड नहीं है, बट हर एक चीज में तुमको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा. समझो ये फोका है तुम्हारा सन, दो फोकस होते, उसमें सन इधर है और प्लैनेट इधर है. बच्चों प्लैनेट अभी इधर है, प्लैनेट रिवॉल्व करता है, तो 5 डेज में प्लैनेट इधर से लेके इधर तक पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल. तो कुछ एरिया निकलेगा अपने को, कुछ एरिया स्वैप करेगा, लेट्स से वो एरिया A1 है. फिर प्लैनेट समझो इधर है, इधर से लेकर के 5 दिन में अपने कैलकुलेट किया वो इधर पहुंच गया, वापस कुछ एरिया स्वैप करेगा वो. ऑब्वियसली बच्चों प्लैनेट सन पे कुछ एरिया स्वीप करेगा. अब समझो प्लैनेट इधर है, 5 दिन में वापस प्लैनेट इधर आ गया, वापस कुछ एरिया स्वीप करेगा. इधर एरिया था लेट्स से A2, इधर एरिया है A3. तो ये लॉ क्या बोलता है, अगर टाइम सेम है, इधर से लेकर 5 दिन निकाला, इधर से लेकर 5 दिन 5 दिन, तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो प्लैनेट एरिया इक्वल स्वेप करेगा. मतलब A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू A3. इफ द टाइम इंटरवल इज सेम देन द एरिया स्वेप्ट विल बी सेम. तो सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. स्वीप कर रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 5 दिन 5 दिन 5 दिन. अगर टाइम इंटरवल सेम लिया तो एरिया सेम होगा. बच्चों थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बहुत सिंपल है, देखो समझने की कोशिश करो. एक प्लैनेट है, सन से इसका कुछ रेडियस होगा, इसको कुछ घूमने के लिए टाइम लगता होगा, और एक और प्लैनेट है जो और दूर है, तो उसका रेडियस अलग होगा, उसको घूमने के लिए टाइम ज्यादा लगता होगा. तो मतलब क्या, बेसिकली जितना दूर प्लैनेट सन से है उतना ज्यादा टाइम लगेगा. थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस. मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा. अब मर्क्यूरी नजदीक में है तो उसको टाइम कम लगता है कंपेयर टू अर्थ, अर्थ दूर है सन से तो उसको टाइम ज्यादा लगता है, जुपिटर अपने से और दूर है तो उसको और ज्यादा टाइम लगता है, प्लूटो तो जब से पैदा हुआ है तब से अब तक एक चक्कर भी नहीं लगा पाया अर्थ का पूरा, इतना टाइम लगता है उसको एक चक्कर लगाने के लिए. तो जितना ज्यादा रेडियस, जितना ज्यादा दूर हुआ अर्थ से उतना ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों. तो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस. अब स्क्वायर और क्यूब याद रखना बच्चों, इसको ऐसे लर्न करना है आपको. आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों. मतलब कवर सब कुछ करेंगे लेकिन जो ओमिटेड है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें नहीं करेंगे. मतलब जो आप वीडियो देखोगे इनफ है उतना, राइट, और जो आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना इनफ है. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास है m1, एक का मास है m2, और उनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों डी. इसका मास है m1, इसका मास है m2. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, इसको खींचने की ट्राई करेगा, और ये वाला इसको फोर्स, एक पर्टिकुलर फोर्स से खींचने की ट्राई करेगा. तो दोनों भी एक दूसरे को खींचने की ट्राई करेंगे. अगर दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया कोई डिस्टेंस पे तो ऑब्वियसली दोनों में भी अट्रैक्शन होगा बच्चों. दुनिया में हर एक चीज एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है, इस वजह से लोग प्यार में नहीं पड़ते बेटा. ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग इन लव, बट ग्रेविटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलिंग फ्रॉम टेरेस, राइट. सो इट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट एक फोर्स के साथ, और उसका एक फॉर्मूला है बच्चों. पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मासेस मतलब m1 m2 जो अपन ने लिया था m1 और m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब अपॉन डाल देने का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम.
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये तुम्हारा बच्चों स्टेटमेंट है. देयरफॉर एफ विल बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्वेश्चन लाना पड़ेगा, कैपिटल जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर. देयरफॉर कैपिटल जी विल बी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू. अगर किसी ने पूछ लिया तो ये जी का यूनिट होता है बच्चों फोर्स से न्यूटन, डिस्टेंस से मीटर स्क्वायर, अपॉन मास इनटू मास इज केजी स्क्वायर. तो इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, राइट. अगर आपको पूछेंगे एग्जाम में अगर मास को डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो जाएगा. अगर मास को मैं डबल कर दूं बच्चों, डबल कर दूं तो फोर्स डबल हो जाएगा. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे बच्चों. तो ये तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हो गया. अब तुमको जो बच्चों पेज नंबर 5 पे जो डेरिवेशन है वो तुमको नहीं करना, तुमको इस साल के लिए हाई टाइड लो टाइड नहीं करना. पेज नंबर 7 पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है खास. डायरेक्टली पेज नंबर 8 पे जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बच्चों. अगर मैं बोलू एफ इक्वल टू, अगर मैं तो ऑब्जेक्ट लू बच्चों, ये कैपिटल एम का ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉल एम का ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस है लेट्स से आर. तो एफ विल बी इक्वल टू कैपिटल जी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. एंड एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी. अगर एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा. देखो कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसल. देयरफॉर स्मॉल जी इक्वल टू गुड मॉर्निंग अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, स्मॉल जी इक्वल टू गुड मॉर्निंग अपॉन आर स्क्वायर. व्हेन यू सॉल्व दिस, कैपिटल जी का वैल्यू आप पुट करोगे, मास का वैल्यू पुट करोगे, रेडियस का वैल्यू पुट करोगे, तो यू विल गेट आर जी टू बी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ दिस वैल्यू इज फॉर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चो, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वन मोर थिंग यू शुड नो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी. देयर आर थ्री थिंग्स सैड, एस ए डी, एस फॉर शेप, ए फॉर एल्टीट्यूड एंड डी फॉर डेप्थ. If you see the shape of the earth, it is not a proper circle. Okay? It is not a proper circle. Equator है, pole है. तो equator पे एक value है G की और pole पे एक value है. तो book में page number 8 में it is properly given बच्चों. Okay? G value at the equator is 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द पोल इज इट इज एंड एट द पोल इज बच्चो इट इज 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड इतना तुमको बेसिक पता होना चाहिए, ये तुम्हारा इक्वेटर पे है, ये तुम्हारा पोल पर है. एल्टीट्यूड की बात ये बच्चों, एज यू गो टू अ हाइट, अब हाइट पे जैसे जाओगे जी की वैल्यू कम होगी बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए बेसिक. तो बेसिक बेसिक बात बेटा आपको पता होनी चाहिए. एंड जैसे आप डेप्थ पे जाओगे, अंदर अंदर जाओगे अर्थ के, तो वैल्यू ऑफ जी अगेन कम होगी बच्चों. तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इतना ऑब्जेक्टिव में से आ सकता है बच्चों. आपको पता होना चाहिए मास और वेट के बारे में बेसिक. Mass is nothing but the amount of matter. Weight is nothing but the force with which earth attracts an object. Mass ka SI unit is kg and weight ka it is newton. Okay. Mass is a scalar quantity. But it depends upon only the magnitude, not the direction. And weight is a vector quantity. Mass is same everywhere. Weight changes everywhere because weight is nothing but force, right? Weight is nothing but force.
विच इज एम इंटू जी, जैसे जी बदलेगा हर एक प्लैनेट में स्मॉल जी बदलता है, तो वैसे ही बच्चों वेट भी चेंज होगा. फॉर योर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वेट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑन द अर्थ. मतलब अगर अर्थ पे 36 न्यूटन किसी का वेट है तो मून पे हो जाएगा 6 न्यूटन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वेट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑन द अर्थ. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इज फ्री फॉल. When an object falls down, only because of Earth's gravity, it is said to be in free fall. Free fall में होता क्या है? Initial velocity zero होती है और acceleration is because of gravity. तो तुम्हारे जो तीन equation थे बच्चों, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as change हो जाएंगे. u equal to zero आ जाएगा and a equal to g आ जाएगा. देखो v will be equal to 0 plus a के बजाय g आ जाएगा, gt. देखो v will be equal to gt. This is the first equation of freely falling object. इधर भी u 0 हो जाएगा और a के बजाय g आ जाएगा, तो half gt square आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा. इधर भी ये चला जाएगा क्योंकि u 0 है तुम्हारा. देखो v square will be equal to 2gs. तो ये freely falling object के लिए पहला equation, ये second equation है, third equation. और तुमको ये पता होना चाहिए कि free fall सिर्फ वैक्यूम पे पॉसिबल है जहां पर कोई भी और फोर्स नहीं है. बिकॉज अर्थ पे फ्रिक्शन है, बॉयंसी है, बहुत सारे फोर्सेस है, एयर रेजिस्टेंस है, तो फ्री फॉल अर्थ पे पॉसिबल नहीं है. सर मैं बिल्डिंग से कूद के कूद रहा हूं तो मैं फ्री फॉल में हूं? नहीं बेटा, अर्थ एयर का रेजिस्टेंस है तो तुम फ्री फॉल में नहीं हो. सिर्फ वैक्यूम में अगर तुम जाओगे तो तुम फ्री फॉल में होंगे बच्चों, और एल्स तुम फ्री फॉल में नहीं होंगे. तो फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम बच्चों. इट इज ओनली इंपॉर्टेंट एंड ओनली प्रेजेंट इन vacuum. And all these things after, the last thing which is important is the escape velocity bachcho. Escape velocity is the velocity through which an object escapes the Earth's gravitational pull. Matlab koi object hai jisko tumne bahut aise velocity se pheka, agar aise velocity se pheka ki wapas wo kabhi nahi aaya, Earth ki gravity ko escape kar diya, to usko bolenge escape velocity bachcho. इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है. अगर आप देखोगे तो एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पर है और एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पर है, मतलब बहुत दूर है अर्थ से, फ्री फॉल मतलब एस्केप कर चुका है अच्छी ग्रेविटी से. तो सिंपल क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों? इसका समझो मास एम होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन R. This is nothing but potential energy. ये तुम्हारी kinetic energy है. और अगर एक object को तुमने फेंक दिया बहुत दूर, if you have thrown the object very far, तो जाकर के रुक जाएगा एक point पे, तो उसकी velocity zero हो जाएगी, तो उस point पे kinetic energy हो जाएगी zero बच्चों, और potential energy भी zero हो जाएगी. तो total energy क्या होती है बच्चों? It is kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. So this will be equal to half mv square plus of minus gmm upon r. Plus minus is minus. So half mv square minus gmm upon r. और ये क्या हो जाएगा? E2 zero हो जाएगा क्योंकि zero plus zero is zero. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? Finally अपने को पता है E1 is equal to E2 होता है. Energy conserved होती है. तो energy इस point पे will be equal to energy उस point पे. तो E1 will be equal to E2 because energy same होती है हर जगह पे. तो अपन पुट कर देंगे हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू जीरो. देखो हाफ एम बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर. तो एम और एम कैंसल, देखो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू द शिफ्ट कर दोगे टू जी एम अपॉन आर. ओके सो पेज नंबर पे तुमको दिखेगा, पेज नंबर 14 पे. तो ये रूट आ जाएगा टू जी एम अपॉन आर. तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए बच्चों इस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है बच्चों. ये डेरिवेशन मैंने फॉर क्विकली कराया क्योंकि मैं रिवाइज करा रहा हूं, तो आपको बस 35 मिनट्स का पूरा जो ग्रेविटेशन है इसमें जितने मैंने टॉपिक्स कराए उतने ही करने, उतने ही करने, और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अलग से एक, दैट्स इट. इतना पढ़ लो, इतना समझ लो, और कुछ नहीं आएगा बाहर से इसके. तो आपको इसको इतना अच्छी तरह से बच्चों जो है करना है,
शिद्दत से, मेहनत से, ठीक है। आगे और चैप्टर के हम क्रिस्प बनाएंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। डिटेल वीडियोस भी है बच्चों, लेकिन दिस